कल 2 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति भवन में एक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये किताब प्रणब मुखर्जी पर ही थी और वहां पर जो भी कुछ हुआ वो बड़े ही शर्म की बात है। ये आप ये देखिए, ये लाल कृष्ण आडवाणी हैं और अभी भी उनकी आंखों में पानी आता रहता है। हुआ ये कि जैसे ही आडवाणी राष्ट्रपति भवन के उस कमरे में घुसे उस किताब के फंक्शन में करने के लिए, तो बीजेपी के कम से कम 3 बड़े नेता उठ उठ के कुर्सियों से दूसरी जगह भग गए कि इसलिए कि आडवाणी उनके साथ आकर ना बैठें, या बैठें तो थोड़ा दूर पर बैठें। एक बात इसके अंदर जरूर हम कहना चाहते हैं कि अपनी दुर्गति कराने का मुख्य जिम्मेदारी लाल कृष्ण आडवाणी पर आती है। और आज हम आपको एक ऐसी बड़ी स्टोरी बता रहे हैं, एक स्टोरी जिसके हम आपको फोटो दिखाएंगे, जिससे आडवाणी का भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो गया और नरेंद्र मोदी ने कसम खा ली कि वो भारत का प्रधानमंत्री बनकर ही रहेंगे। हम दिखाते हैं आपको वो फोटो। ये वो फोटो है, इसको आप जरा ध्यान से देखिए इस फोटो को। इस फोटो के अंदर श्री लाल कृष्ण आडवाणी राजनाथ सिंह के साथ खड़े हुए हैं, उसके साथ अनंत कुमार हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। इधर आप देखिए, अपनी दाईं तरफ आप देखेंगे तो देखिए वो नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता लेकर आडवाणी का पैर छू रहे हैं वहां पर। और हुआ ये कि आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें पता था ये नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, उन्होंने उसको कुछ नहीं किया, कुछ उसका ध्यान नहीं दिया। इसको फोटो को देखिए, इस फोटो से नरेंद्र मोदी का भविष्य भी बदला और एलके आडवाणी का भी बदला। और उसके बाद जब उसने उन्हें पैर छू के उठे तो ये हुआ, आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को एक भी शब्द नहीं कहा। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कैसा भाव आया हुआ है। नरेंद्र मोदी को यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एक आदमी के पैर छुए फूलों का गुलदस्ता लाकर और उसने मेरे को एक भी शब्द नहीं कहा है। एल के आडवाणी सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। और यही वजह थी जिसके कारण ये आदमी जो बीजेपी का बेताज बादशाह था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति अब चली गई है, ये आप देखिए एल के आडवाणी राष्ट्रपति भवन से उस समय बाहर आ रहे हैं और ये सारे बीजेपी के नेता, राजनाथ सिंह हो या रविशंकर हो, अनंत कुमार हैं, ये राष्ट्रपति भवन से बाहर आ रहे हैं। आप इधर अपनी दाईं तरफ एक औरत को भी देख रहे होंगे, उसका नाम है सुषमा स्वराज। हम सुषमा स्वराज के बारे में आपको कुछ और भी बताएंगे। इसमें सुषमा स्वराज सोनिया गांधी से बात करना चाह रही हैं। और एक बात हम कह देते हैं, आडवाणी का भविष्य खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ इस औरत सुषमा स्वराज का है। और वो क्यों है और कैसे आडवाणी ने इस औरत की सलाह पे चलकर अपना भविष्य हमेशा के लिए खत्म कर लिया, ये अगली स्टोरी है।